वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग अपने बहुत सारे नए लाइव क्लासेस का सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें करेंट अफेयर आफ्टरनून 1 PM से शुरू हो चुका है। सो अब से डेली इन इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सभी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में क्लास आज से शुरू हो रही हैं, तो आप सभी जुड़ जाएं और कोशिश करें कि इस लाइव क्लास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जुड़ेंगे तो मोटिवेशन हम सभी को भी मिलेगा। बस यही है। अब हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। ओके, सो देखिए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्लास आज से शुरू हो रहा है, तो इसमें शंकर आईएएस के जितने भी सिलेबस हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा अभी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें पॉलिटी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का एक मेजर पोर्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं विथ करेंट अफेयर्स, जो इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो आप सभी से ये अनुरोध है कि कृपया करके इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। सो अभी पहला पोर्शन जो अपना सेशन चलेगा वो इकोलॉजी पे चलेगा। जब इकोलॉजी का सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद एनवायरनमेंट को इसी के साथ हम लोग ऐड करेंगे, और हर चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स तो ये शामिल किए जाएंगे पार्ट बाय पार्ट, और प्लेलिस्ट तैयार किया जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जा कर के सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं फर्दर। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वो है सब्जेक्ट के नाम पे ही है, इकोलॉजी। तो सबसे पहला बात ये आ जाता है कि जब हम लोग इकोलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके सब्जेक्टिव मैनर पे डेफिनेशन इसके क्या होंगे। तो डेफिनेशंस को इसको देखते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। एंड लोगस मीनिंग स्टडी, देखिए ये बेसिक डेफिनेशन को आप लोग को अपने नोटबुक में आपको कॉपी करना है। इकोलॉजी का बेसिक टर्म क्या है? ओक्यूज, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ओक्यूज एंड प्लस लॉगस, ये अपना ग्रीक वर्ड है। सो इसके कंपोजिशन से अपना इकोलॉजी सब्जेक्ट तैयार होता है। मतलब क्या होता है ओक्यूस का ग्रीक में, इसका ओरिजिनल मतलब क्या है? ओक्यूस का मतलब होता है होम, और किसी भी पर्टिकुलर का जो एक नेटिव होम होता है। जैसे आप लोग जो भी जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जैसे सपोज करें कोई बच्चे हरियाणा से हैं, कोई बच्चे राजस्थान से हैं, कोई बच्चे महाराष्ट्र से हैं, कोई केरला से है, तो हर एक का अपना अपना इन्वायरमेंट है, अपना अपना मतलब पोजिशन है। सो सभी का होम का मतलब घर आप यहाँ पे नहीं समझे, होम का मतलब होगा आपका नेटिव जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेटिव एनवायरनमेंट होता है, उस नेटिव एनवायरनमेंट का जब हम स्टडी करते हैं, नेटिव एनवायरनमेंट, इस बात को कभी भी भूलिएगा नहीं, यहाँ हम बात करेंगे नेटिव एनवायरनमेंट किसी भी चीज़ के ऊपर। सो दैट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन। सो वंस अगेन इसको रिपीट कर रहे हैं, इकोलॉजी मीन्स ओक्यूस विच मीन्स होम और प्लेस टू लिव इन, और लॉगस मीन्स स्टडी। अब देखिए
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद आता है, वो है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। यार यहीं से अपना इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। एक बहुत ही रहस्यमयी बात यहाँ से आप लोग को सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी ने बहुत कुछ पढ़ा है अपने जीवन में अब तक। लेकिन पहला सवाल इस जगह पे एक चीज़ इंटरेस्ट बनकर हमारे सामने आता है, वो ये है, कभी आपने सोच करके देखा है कि पर्यावरण के ऊपर आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम, आप, सरकार, हम सभी, हमारे पूरा समाज पर्यावरण के ऊपर जो बात कर रहा है, क्या ये पर्यावरण का मुद्दा ये वर्तमान समय का ही है विषय, या बीते भूतकाल में भी इसके ऊपर विचार विमर्श किए गए होंगे, इसके ऊपर अध्ययन किया गया होगा, इसके ऊपर बुक्स कॉपी कुछ लिखे गए होंगे, क्या ऐसा है? अगर इसके ऊपर अगर हम लोग लाइव थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आता है कि इसके इसके एविडेंस हमें एंशियंट टाइम से मिल रहे हैं। इकोलॉजी के ऊपर जो हमें एविडेंस है एंशियंट पीरियड से हमें मिल रहे हैं। तो एंशियंट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एंशियंट में यहाँ पे हम कुछ टर्म लिख रहे हैं, आप लोग को उस चीज़ को अपने नोट कॉपी में कॉपी करना है। अब देखिए इसमें क्या है, द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ द वैदिक पीरियड सच एज वेद, संहिता, ब्राह्मणास, आर्यंक एंड लास्ट वन इज उपनिषद। तो देखिए पहला तो चीज़ आपको इसको समझना पड़ेगा कि इकोलॉजी का जो बेसिक हिस्ट्री हमें एंशियंट पीरियड से मिल रहा है, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो हमारे कल्चर में वेद में संहिता, ब्रह्मणा, आर्यंक, उपनिषद में इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ इलेबोरेशन टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ दिए गए हैं। अब पहला सवाल इसमें आता ये है, वेद तो हमें पता है, व्हाट इज़ वेद? तो वेद हमारा जो कल्चर है वो वेद के आधार पे ही चल रहा है। संहिता क्या है? संहिता देखिए सीधी सी बात है, वेद का ही इलेबोरेशन। अब वेद देखिए सबसे एक बेसिक एग्जांपल से हम आपको इसको समझाते हैं। आप सभी ने अपने 9th 10th को क्रॉस करके आज इस पोजीशन पे हो। 9th में सरकार आपसे परीक्षा लेती है किस किताब के आधार पे, एनसीईआरटी, बट आप लोग एनसीईआरटी को छोड़ करके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल को आप पढ़ते हो। उसी तरीके से वेद को अगर आपको समझना है तो वेद को समझने के लिए विभिन्न संहिता का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो संहिता एक तरीके का रेफरेंस बुक है, संहिता और उपनिषद। तो और इन दोनों में क्या है, जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपना अपना कंसेप्ट, अपना अपना थॉट जाहिर किए हैं। ब्राह्मणा क्या है? ब्राह्मणा सेम जितने भी उस समय के सेग्स होते थे, संत होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वे अपने जो ज्ञान होते थे, प्रवचन होते थे डे टू डे गुरुकुल में, उसको वे लोग कन्वर्ट कर दिए थे बुक में। वो बुक ब्राह्मणा कहा जाता है। ब्राह्मणा या ब्राह्मण से कोई रिलेशन नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। वहीं आर्यंक जो जंगल में जो रहते थे, तपस्वी, भिक्षु, ठीक है, जंगल में तपस्वी जो होते थे, वे लोग जो अपनी बुक्स को लिखते थे, उस बुक को आर्यंक कहा जाता है। तो इन सभी बुक्स में इकोलॉजी के बारे में डिटेल डिस्कशन किए गए हैं, इसके डिस्क्रिप्शंस बहुत कुछ मौजूद है। अगर हम लोग इस चीज़ को खोल करके देखते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। सो ये कहना सरेआम गलत है कि इकोलॉजी के ऊपर प्रेजेंट 21st सेंचुरी में ही सारा मुद्दा गर्माया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर, जिसके ऊपर हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे। तो हिस्टोरिकल फैक्ट तो आपने एक पॉइंट देखा, दूसरा इसके बाद एक और इसी में आता है पॉइंट नेक्स्ट, वो क्या है, इंडियन ट्रीटाइज मेडिसिंस। अब हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में अगर हम लोग बात करें तो औषधि का
जो प्रयोग है वो आज से नहीं हो रहा, औषधि के ऊपर विज्ञान, औषधि के ऊपर जो अनुसंधान है वो आज से नहीं हो रहा, प्राचीन समय वैदिक काल से चल रहा है। और इसको ओवरऑल ऑल अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो 5000 साल का पूरा इतिहास यहाँ पे लमसम हमारे सामने बनकर तैयार होता है। तो 5000 साल के पूरे संपूर्ण इतिहास में जो मेडिसिन के ऊपर पूरे वर्क हो रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा एक जो किताब है, ये आप लोग नोट डाउन, हम बार बार कह रहे हैं इस पूरे लेक्चर के सेशन को हल्के में ना लें, प्रॉपर, ये ऐसा नहीं है कि इसको जस्ट फॉर मतलब किसी भी बिजनेस ओरिएंट पे यहाँ पे क्लास ली जा रही है, ये पूरा लाइव लेक्चर जो हो रहा है इसमें पूरा रियल एंड जेन्युइन कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है। स्पेशली एक एक उसके ऊपर लेक्चर्स को जोड़ा जा रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे जितने भी बच्चे इसमें जुड़ेंगे कृपया करके इसमें नोट्स जो बन सकते हैं जितने बेहतर से बेहतर उस नोट्स को बनाएं, उस नोट्स में बनाने के साथ साथ अगर कुछ बीच में डाउट्स आते हैं फ्रिक्वेंटली आप लोग ईमेल आईडी में आप मेल करें, और डिस्क्रिप्शंस में सारे दिए गए हैं लिंक, टेलीग्राम के लिंक है, फेसबुक के लिंक है, इंस्टाग्राम के, सब चीज़ अवेलेबल है जिससे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके आप अपने क्वायरी को कम्प्लीट करें। इंडियन ट्रीटाइज मेडिसिन, सो हमारे समाज में औषधि के ऊपर जो प्रयोग हो रहा है, सो ये प्रयोग में अगर हम बात करें तो पहला जो बुक आएगा, फर्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है चरक संहिता, चरक संहिता बहुत इम्पोर्टेंट है ये बुक, ठीक है। तो चरक के द्वारा लिखा गया चरक संहिता बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। नेक्स्ट है, अच्छा ये एक जीके के जैसा ये फैक्ट है, चरक संहिता लिख लीजिएगा, ये मेडिसिन के ऊपर पूरा इस बुक में दिया गया है। चरक संहिता डील्स विथ मेडिसिन, चरक संहिता में जो कुछ भी है वो सारा मेडिसिन के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ऋषि जो चरक थे उन्होंने अपनी किताब में संहिता जिसको कहा जाता है संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, तो चरक संहिता में मेडिसिन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए। और ये मेडिसिन इकोलॉजी के फैक्टर से ही तो उठाते थे ना, जड़ी बूटी ये कहाँ से आता था, इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी से ही हम लोग इकोलॉजिकल फैक्टर से ही उठा रहे, रिसीव कर रहे। सेकेंड जो होगा इम्पॉर्टेंट वो ये है, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता, तो आचार्य सुश्रुत के द्वारा इस बुक को लिखा गया था, आचार्य सुश्रुत उनका नाम था, जैसे चरक यहाँ पे है तो वैसे ही यहाँ पे सुश्रुत है। अच्छा, सुश्रुत संहिता में जो मेजर जो चीज़ दिया गया है यहाँ पे लिख लीजिएगा, सुश्रुत संहिता डील्स विथ, ठीक है, सुश्रुत संहिता डील्स विथ, ये जो किताब है वो सर्जिकल, मेडिकल साइंस का सर्जिकल जो पूरा है, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी का जो पूरा डिस्कशन होता है, सर्जिकल साइंस पूरा ये है, तो इसको लिख लीजिएगा, सुश्रुत संहिता जो है सर्जिकल साइंस के ऊपर पूरा अपना इलेबोरेशन देता है। सो आज हम जो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका बेसिक जो पूरा हमें मिल रहा है सोर्स एंशंट में जाकर के, वो ये दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं, इसका आप नोट डाउन कर ले। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कंपोनेंट पे, आई होप समझ में आ रहा है, जिनको कोई डाउट होगा, क्वायरी होगा, तुरंत कॉमेंट में आप लोग अपना क्वेश्चंस को भेजें, यहाँ पे हम कॉमेंट भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट, अब यहाँ से शुरू होगा इन्वायरमेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट का। इन्वायरमेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट, अब इन्वायरमेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट में सबसे पहला चीज क्या है, तो बेसिक चीज़ पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है वो आप जाने पहले। इन्वायरमेंट मतलब क्या, आप जिस भी एक सराउंडिंग फेज़ में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन इन्वायरमेंट का डेफिनेशन बदलेगा, तो इसका बेसिक चीज़ क्या है, एवरीथिंग दैट्स अराउंड और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग
इट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरमेंट. सो एवरीथिंग थ्रू विच वी आर सराउंड और अफेक्ट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो उसमें हम लोग भी हो सकते हैं, कोई चींटी भी हो सकती है, वेल भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है. तो सबका एनवायरमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, बेसिक डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर ले. दूसरा अब इसमें बात आता है कि एज वी नो दैट एनवायरमेंट इज वेरी कंप्लेसिव, हम लोगों को पता है पर्यावरण बहुत ही जटिल है. एनवायरमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स, पर्यावरण बहुत जटिल है. सो पर्यावरण अगर इतना जटिल है तो इसको हम दो हिस्सों में समझते हैं. एक हिस्से में तो समझना मामूली बात तो है नहीं, दो हिस्सों में समझेंगे अगर इतना कॉम्प्लेक्स है तो. बायोटिक एंड सेकेंड होगा एबायोटिक. फर्स्ट होगा बायोटिक एंड सेकेंड होगा एबायोटिक.
तो फर्स्ट है एबायोटिक एंड सेकंड वन है बायोटिक। सो अब इसके आगे अगर इसका डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो एबायोटिक मतलब दोस टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट, अगर एबायोटिक का समझें अजैविक जिसको कहते हैं अजैविक, तो दोस टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट इन विच लाइफ हैव डजंट एग्जिस्ट। अजैविक मतलब क्या, जिसमें जीवन ही नहीं स्थापित है, जीवन ही नहीं है इसमें। कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, चेयर सॉयल वाटर कुछ भी लिख दे, एयर एक्सेट्रा, जो कुछ भी दिख रहा है जिसमें जान नहीं है, बेजान की वस्तु है, सब एबायोटिक है। अबायोटिक इसी का जस्ट रेसिप्रोकेट कर दीजिए उल्टा, ठीक है। दोस टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट इन विच लाइफ एग्जिस्ट आप सभी बताएंगे कि ऑडिबल सब सही है, क्योंकि बीच में ब्रेकेज हो गया था क्लास का। ओके सो बायोटिक का जस्ट इसका उल्टा होगा, दोस टाइप्स ऑफ ओके सो अपना फर्दर जो आगे का डिस्कशन है वो आज हम लोग सिर्फ एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए सम अप कर देंगे। सो वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ये इस चैप्टर का 2-3 पार्ट में वीडियो तैयार होगा, और हर चैप्टर के वीडियो जो अपलोड होंगे वो डिफरेंट पार्ट्स में होंगे। तो इस पे अगर हम बात करें तो अपना हेडिंग है यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। अब इसमें कुछ लेवल हैं, आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लें। फर्स्ट है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, नेक्स्ट है इसमें कम्युनिटी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये 3 लेवल है। इस 3 में से पहले इसको एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी का पहला अपना टॉपिक आता है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में क्या है, एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बींग, इसको आप लोग लिख लीजिए इसमें, ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बींग दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट दैट हैज द ability to act as independent
एज